हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो आज का ये वीडियो होगा बरसात की सब्जियों की हम तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा सा गार्डन का टूर कर देंगे, क्योंकि गार्डन में तो अभी बरसात की सब्जियों की तैयारी चल रही है। बट कमेंट आया था अर्चना मैम का कि मैम गार्डन टूर भी थोड़ा सा कराइए, क्योंकि हमारे पौधे तो देख के माथा खराब हो रहा है। आपके पौधों का क्या हाल है? तो हमारे पौधों का भी देख के माथा ही खराब हो रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी है कि हम लोग तो गर्मी में छत पे वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। तो 10 मिनट तो सुबह की धूप इतनी तेज हो जा रही है कि हम तो सर्वाइव ही नहीं कर रहे, पौधे कैसे सर्वाइव करेंगे। तो चलिए मैं उनको भी दिखा दूंगी। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और जैसे ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलिए। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे दिखा दूं कि हमारा जो सेक्शन था थर्मोकोल का है, जिसमें बोरो और बोलते हैं वो लगी थी। तो काफी तेज जो आंधी आई थी तो पूरे जो हमने ये फट्टी बांध रखा था ये पूरी जो है खराब हो गई थी फट्टी। उसके बाद हमने ये सारे निकाल दिए, क्योंकि आंधी तो अभी बार बार आएंगी, इसलिए अभी निकाल के रखा है कि थोड़ा एस्टेब्लिश हो जाए और पौधे देख लेती हूँ आंधी का क्या हाल है, तो फिर मैं फट्टी डालूंगी। इनको मैंने ऐसे ही थोड़ा लगा दिया है। तो इधर बोरो का ये सेक्शन है और देख सकते हैं बोरो काफी अच्छी प्रूनिंग के बाद, जो हमने बरसात की सब्जी तैयारी की थी, प्रूनिंग की थी, तो उनके बाद जो है इनमें काफी अच्छी ग्रोथ आ गई है और बर्ड्स भी लग रहे हैं। ये थोड़े थोड़े अभी बर्ड्स आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं। तो इस तरह जो पूरा मेरा सेक्शन था वही था थर्मोकोल का। तो आप देख लीजिए और सभी में फूल और जो पूरी तैयारी हमारी हो गई है। और इस साइड हमारी ये मिर्च है, ये देखिए एक मिर्च एक ही पॉट में हमारा थर्मोकोल में लगा है और कितनी अच्छी मिर्च की ग्रोथ है और फ्रूटिंग देखिए। इस पे फुल डिटेल वीडियो मैं जल्द ही पब्लिश कर दूंगी। ये हमारा मिर्च और इधर ये कुंदरू, पूरा कुंदरू भी आ रही है ये देखिए। तो कुंदरू भी अभी सही चल रहा है। कुछ बोरो हमने छोटे अभी बीज डाल दिए हैं, थर्मोकोल्स खाली थे तो कुछ इस तरह से छोटे छोटे बीज। और इधर हमारी पूरी ग्रो बैग्स खाली करके, क्योंकि इतनी गर्मी है कि वर्क करने का मन ही नहीं करता है, तो अभी खाली है। जैसे ही तो इसमें खाद डाल के सब रेडी कर दिया जाएगा और सब्जियां लगाएंगी। बरसात में इनमें टमाटर लगाने हैं। और उस साइड हमारा छोटा वाला नींबू, ये देखिए नींबू में भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग अब हो रही है। थोड़ा गर्मी की वजह से फ्रूट का साइज छोटा हो गया है और फिर से इनमें न्यू बर्ड्स भी आने लगे हैं। बाकी इधर मैलेबरी का एक प्लांट है और थोड़ा सा कड़ी पत्ता है इधर, जो काफी सारे इसमें कड़ी पत्ते में बीज आ गए हैं, तो अभी छोड़ दिया है इन्हें मैंने। और एक मिर्च है, छोटे छोटे मिर्च के पौधे भी तैयार हो गया है इधर। और ये सब जो है थर्माकोल में जो गर्मी वाला ही बोरो है, और वही बोरो जो है इधर अभी सारे प्रूनिंग वगैरह हुई थी, तो बोरो में काफी अच्छा ग्रोथ दिखा मुझे। बोरो का काफी अच्छा अच्छा रिजल्ट भी है। तो इधर वही सब है। और ये हमारी लाल साग है जो हमने बीज से लगाया है, अभी ही लगी है कुछ दिन, मतलब 15 दिन पहले हमने बीज डाला था, तो ये लाल साग इधर निकल गई है। ये देखिए बहुत से हमने हार्वेस्ट भी इधर कर लिया है और अभी भी लाल साग हमारा है, अभी हार्वेस्टिंग के लिए धीरे धीरे हार्वेस्टिंग हो रही है इधर। और इस साइड जो देखिए हमने अभी आप लोग के साथ जो बीज उपचार करके बीज लगाया था, तो इसमें थ्री लीव्स आ गए हैं। इस तरह भिंडिया जो है हमारी थ्री लीव्स की हो, टू लीव्स के बाद थ्री लीव्स आ गई है और सारी भिंडिया जो है काफी अच्छी निकल गई है इधर वो बड़े से ग्रो बैग में। और इस साइड का हमारा ये ग्रो बैग देख लीजिए, ये जो है हमने भिंडी जो है कटिंग की थी, ये देखिए यहाँ से ये भिंडी जो है कटिंग की थी, तो अब सारे भिंडी में जो है फ्रूटिंग होने लगा है, क्योंकि कुछ कुछ भिंडियां हमने तोड़ ली भी हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं अभी आ रही हैं, सात आठ करके भिंडियां जो है फ्रूटिंग दे रही है। और इधर ये पूरे ग्रो बैग में जो है सारे भिंडी की हमने कटिंग की थी, वही भिंडी है इधर। और इस ग्रो बैग में भी देख लीजिए हमने भिंडी डाला था, ये बीज जो थी भिंडी, तो सारे भिंडी बहुत अच्छे निकले हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो, जितने भी बीजे हमने डाली थी उपचार करके, सही में एकदम जादू की तरह बीजे निकलती हैं। ये देखिए क्योंकि ज्यादा दिन हुआ नहीं है और इसमें थ्री लीव्स बीज में आ गए हैं। और ये नेनुआ का हमने फिर से, ये बरसात वाली नेनुआ है, तो ग्रो बैग्स खाली थे तो मैंने बीच बीच में नेनुआ का जो है पौधा
लगा दिया है, ये देखिए। और फिर हमारा ये एक मिर्च का पौधा है, यहाँ पे देख लीजिए ग्रो बैग में, तो ये भी काफी बड़ा मिर्च हो गया है और काफी अच्छी इसमें भी मिर्च में ये देखिए फल लगे हैं, और इस मिर्च में बहुत अच्छे फूल लगे हैं। सब मिर्च जो है गर्मी वाले ये मिर्च हैं, तो जब तक गर्मी है मतलब तब तक ये मिर्च रहेंगे, उसके बाद ठंड में इसे चेंज कर दिया जाएगा। तो ये मिर्च का अपडेट। और ये साइड हमारा जो है बैंगन का है, तो अब बैंगन में भी फल लगने लगे हैं, क्योंकि काफी गर्मी के बाद जो है फल सेट नहीं हो रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी का इस पे असर दिख रहा था। लेकिन अभी तो थोड़ा मौसम सही हुआ, फिर थोड़ी सी हमने इसमें सॉइल मिक्सचर वगैरह इसका सही किया, तो फूल उल भी अब सब आने लगा है। ये देखिए अब नया जो भी फल आ रहा है, फूल आ रहा है, वो सब फल में कन्वर्ट हो रहे हैं। और बाकी तो मैंने इसमें ज्यादा नहीं देखी, सारे रूट्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये अभी मैं बस बरसात की जो है बैंगन लगाऊंगी, तो इसलिए इसे छोड़ रख के रखी हूँ, वो फिर ठंड तक चलेगी। तो ये बैंगन है, जब तक अभी थोड़ी बहुत फ्रूटिंग हो रही है इसमें। और ये साइड हमारा जो है पहले वाले नेनुए का है, तो ये मैं थोड़ा दूर से आप लोग को दिखा दूं, क्योंकि आप लोग को लगेगा कि कैसा है, बट क्योंकि हमने इसे डीप प्रूनिंग की थी तो आप लोग को पूरा छेहर दिख रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। डीप प्रूनिंग के बाद देखिए हमने इसमें बहुत से न्यू ग्रोथ जो है आई है, ऐसा नहीं है कि ये मैं दिखा दूं थोड़ा सा, ये देखिए इस टाइप से। और जैसे ही मानसून आएगा तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि इतनी गर्मी है, पौधे बच जाए वही बहुत बड़ी चीज है अभी फिलहाल के मौसम जैसा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब पौधे जो है इतनी गर्मी में कैसे सर्वाइव करेंगे, ये बहुत बड़ा मैटर होता है। और इस तरह से देख लीजिए, काफी गर्मी की वजह से जो है नेनुआ जो है सूख के पीले हो जाते हैं, और कभी कभी जो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ये प्रॉब्लम होता है, ये कुछ वैसे डालने से नहीं होता है। तो ये जो है न्यू ग्रोथ हमारे नेनुआ में आ रही है, और मॉनसून का ही वेट है बस मुझे, जैसे ही मॉनसून आएगा इनकी ग्रोथ और काफी अच्छी हो जाएगी, तो मैं अपडेट दूंगी उसकी भी। और देखिए नीचे से जो भी नए ब्रांचेज निकल रहे हैं वो काफी अच्छे निकल रहे हैं, और इन्हीं सब में फ्रूटिंग होगी। तो इन सब बेलों को मैंने कबारा नहीं है, क्योंकि ये गर्मी की सारी बेलें हैं, तो काफी अच्छा इनका भी अभी ग्रोथ पीरियड में है, फ्रूटिंग अभी नहीं है। इस साइड गाइस यहाँ पे हमारा जो है करेले का अपडेट है, तो ये देखिए बिल्कुल करेला जो है, इस जो करेले की मैंने डीप प्रूनिंग नहीं की थी, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था, बेले इतनी आपस में टकरा के घोंच पौच हो गई थी, तो काफी प्रॉब्लम मुझे हो रहा था, तो मैंने ऐसे ही इन्हें छोड़ दिया। क्योंकि जो पुराने पत्ते होंगे, जैसे जितने भी पुराने बेले इस टाइप की होंगी, वो अपने आप ही इस तरह से पत्ते हो जाते हैं, फिर मैं इन्हें इस तरह से हाथ से मैश कर देती हूँ, ताकि ये फिर देखिए इस तरह से जब हम कर देंगे तो पत्ते जो है, तो ये पुराने पत्ते अपने आप ही ये हो जाएंगे, और इनमें फिर फुटाव शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको ये इतना पीला और मैसी टाइप का दिख रहा होगा, बट अभी जैसे ही मॉनसून का वेट है आएगी, फिर इससे इनमें न्यू ग्रोथ आएगी। ग्रोथ तो है, देखिए अब कुछ कुछ चीज पत्तों में या फिर कुछ डालियां में ग्रोथ अच्छी है, बट इतनी धूप है, और हमने ग्रीन नेट भी देख सकते हैं, पूरे छत पे कहीं नहीं ग्रीन नेट लगाया है, तो इसका असर तो छत पे डायरेक्ट धूप वगैरह मिल रहा है, तो थोड़ा ग्रीन नेट से तो राहत मिलती, बट हमने अभी लगाया नहीं है पूरे छत पे स्टैंड वगैरह, तो काफी प्रॉब्लम हो रही थी हम लोगों को ग्रीन नेट के लेकर के। तो अभी जिस हालत में है बहुत अच्छा है, क्योंकि इतनी गर्मी में ये सर्वाइव ही कर रहा है, बहुत बड़ी चीज है। पौधे बस हम बचा लेंगे, उसके बाद मानसून में बिल्कुल अच्छे से ये ग्रोथ होगी। वहीं हमारी कद्दू का ये ग्रो बैग्स देख लीजिए, कैसे मैंने पूरे पत्ते भी इनको काट के हटा दिया है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये अपडेट है ही क्यों, लेकिन इसलिए है ना कि बहुत से लोग समझते हैं कि बहुत कुछ हम डाल रहे हैं पर भी इनमें ग्रोथ नहीं है और फ्रूटिंग नहीं हो रहा है। तो जब तक मौसम अनुकूल नहीं रहता है ना, ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। पौधे जो है ऐसा नहीं है कि जब हीट वेव बहुत ज्यादा चलने लगते हैं तो ग्रीन जैसे ये पत्ते हैं, नए पत्ते भी जो है मुरझा के जो है सूख जाते हैं। तो ये सब न्यू ग्रोथ है, देखिए ये जो है न्यू ग्रोथ है, बिल्कुल न्यू ग्रोथ है। इन्हीं सब पौधों में से जो है नया पौधा निकलेगा, कोई भी जो है हमने पुराना पौधा नहीं छोड़ा है इसमें, और पुराने पत्ते बिल्कुल सब कटिंग करके हटा दिया है, क्योंकि जैसे ही बारिश शुरू होगी तो फिर से न्यू ग्रोथ होगी, इसलिए सारे जो है हमने
फ्रूटिंग जो था तोड़ के सारा जो है पत्ते काट उठ के सब कटिंग करके हटा दिया है। तो ये कद्दू का अपडेट रहा। हमारा फ्रूट प्लांट है वो देखिए, इसमें अमरूद लग गया है। ये देखिए अमरूद थोड़ा जल्दी आ जाता है और ये आम तो लेट ही आएगा। चीकू वगैरह है, एप्पल बेर है, अनार है, अनार में भी फल लगे हुए हैं और वो अमरूद में भी फल लगा हुआ है। और ओवरव्यू अगर मेरा गार्डन का देखा जाए तो वैसा कुछ खास नहीं है। उधर नींबू वगैरह है, पपीते हैं, अनार है, अनार में फल लगे हैं और इस तरह से मेरा ओवरव्यू गार्डन दिखता है। अभी तो बहुत झंकार दिख रहा है, वैसे ग्रीनिश तो दिख नहीं रही है। मॉनसून जब तक नहीं आएगी पौधे का कोई वैसा नहीं है। बाकी उधर थोड़ा फूल का सेक्शन है, वो ये नागचंपा की ही जो फूल है वो मुझे बहुत प्यारा और पसंद आता है। तो इधर जो सारा फूल है और ये सब जो बहुत अच्छे बोगेनविलिया वगैरह है और ये चंपा की पुरी है।